दिग्रे शहर के एक बड़े निजी अस्पताल का बायोमेडिकल वेस्ट यानी जैविक कचरा शहर के डंपिंग ग्राउंड में डाले जाने का मामला हाल ही में उजागर हुआ था। ऐसे में कचरा उठाने वाली ऑक्सीलाइफ कंपनी के ठेकेदार और आरोग्य धाम अस्पताल के खिलाफ दिग्रस पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन थानेदार सहित संबंधित स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक कोई पुख्ता कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। इस बारे में शिकायतकर्ताओं ने BCM के समक्ष संबंधित विभाग के ढीले रवैये पर नाराजगी व्यक्त की है। स्वच्छ शहर सुंदर शहर की डींगे हाँकने वाली दिग्रस नगर पालिका के नाक के नीचे सारे नियमों को पैरों तले रौंद कर दिन दहाड़े शहर के एक निजी अस्पताल का बायोमेडिकल वेस्ट यानी जैविक कचरा डंपिंग ग्राउंड में डाले जाने का मामला सामने आया है। इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार दिग्रस शहर का कचरा उठाने का जिम्मा ऑक्सीलाइफ कंपनी के स्थानीय ठेकेदार का है, जो नगर पालिका से अनुबंधित है। नियमानुसार संबंधित कंपनी घन यानी सूखा कचरा उठाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन शहर के निजी अस्पताल के कोविड केयर सेंटर का बायोमेडिकल वेस्ट उठाने से संबंधित कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। इस बाबत BCN ने ऑक्सीलाइफ कंपनी के ठेकेदार का पक्ष जानना चाहा, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। इसी तरह हमारे सहयोगी ने आरोग्य धाम अस्पताल प्रशासन से बात की, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ कहने से मना कर दिया। इसके साथ ही नगरपालिका के मुख्याधिकारी शेषराव टाले से जब हमारे संवाददाता ने शुक्रवार को इस मामले में बात छेड़ी, तब उन्होंने बाद में बात करता हूं कहकर अपनी व्यस्तता का हवाला दिया और जब उन्हें कॉल लगाया गया तब उन्होंने कॉल तक रिसीव नहीं किया। हाल ही में बायोमेडिकल वेस्ट की अफरा तफरी पर नगर पालिका उपाध्यक्ष अजिंक्य मात्रे, नगर सेवक सैयद अकरम, नगर सेवक केतन रत्न पारखी ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था, लेकिन अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से उन्होंने इस विषय में नाराजगी जताई है। प्रशासन को इसकी तकरार बाकायदा दी गई, पुलिस प्रशासन ने इन पर कार्रवाई करने का वादा भी किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक उन पर कोई कार्रवाई की गई है। मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि जो जनता के आरोग्य के साथ खिलवाड़ करते हैं ऐसे आरोग्य धाम हॉस्पिटल पर, और जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हुए आरोग्य धाम हॉस्पिटल का बायोमेडिकल वेस्ट खुले तौर पर डंपिंग ग्राउंड पर डालता हो, ऐसे ऑक्सीलाइफ टेक्नोलॉजी, इन दोनों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से और प्रशासन के तरफ से भी और आरोग्य प्रशासन से भी की जाए, ऐसी मैं गुजारिश करता हूँ। इसी तरह नगर सेवक केतन रत्न पारखी ने बताया कि इस मामले की शिकायत सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों से हमने की है और साथ ही विधायक संजय राठौड़ को भी इस प्रकरण से अवगत कराया गया है। शिवाजी महाराज चौक येथे मी घंटा गाड़ी वाले एका मुलाला रंगे हाथ पकड़ ले, त्यामध्ये संपूर्ण कोरोना पॉजिटिव रुग्णाच्या संपर्कात आलेले सर्व मेडिकलचे औषधी सिरिंज वगैरे ह्या आम्हाला आढळून आल्या होत्या। त्यानंतर आम्ही जिल्हाधिकारी साहेब, जिल्हा अधीक्षक साहेब, पोलीस ठाणेदार साहेब, मुख्याधिकारी साहेब, तहसीलदार साहेब आणि उपविभागीय अधिकारी साहेब पुसत आणि आमदार संजयभाऊ राठोड यांच्याकडे तक्रार दिली होती। त्याच तक्रारीला अनुसरून काल झालेल्या कोरोना आढावा बैठकीमध्ये आमदार संजयभाऊ राठोड यांनी उपविभागीय अधिकारी आणि टालेसाहेब आणि तहसीलदार वजिरे साहेब या तिघांना तातडीने आरोग्यधाम हॉस्पिटल आणि संबंधित ऑक्सीलाइट टेक्नॉलॉजी घनकचरा व्यवस्थापनची जी संस्था आहे त्या संस्थेवर कारवाई करा आणि त्यांना ताबडतोब दंड लावा असे आदेश दिले। आणि आमचा पूर्णपणे विश्वास आहे उपविभागीय अधिकारी आणि मुख्याधिकारी टालेसाहेब हे लवकरच संबंधित हॉस्पिटल आणि ठेकेदारावर कारवाई करतील आणि ते ज्या अर्थी बोलत नाही आहे त्या अर्थी त्यांनी गुन्हा केलेला आहे। आणि मी एक तुम्हाला सांगू शकतो, जो गुन्हा करतो तोच लपून राहत असतो, जो गुन्हा करत नाही तो समज। गौरतलब है कि इस पूरे प्रकरण में आरोग्य धाम अस्पताल प्रशासन की चुप्पी और ऑक्सीलाइफ कंपनी की कार्यप्रणाली पर मौन धारण कर कार्रवाई के नाम पर औपचारिकता बरतने वाले संबंधित अधिकारी चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि जनता की सेवा और मरीजों के उपचार को लेकर कथित अस्पताल का प्रशासन गंभीर नहीं है। ऐसे में इस मामले में सख्ती दिखाना समय की मांग है, क्योंकि फिलहाल कोरोना संक्रमण का खतरा टला नहीं है और सवाल दिग्रस शहरवासियों के स्वास्थ्य का है। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।